अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये धरना, प्रदर्शन, ये नारेबाजी आपको याद होगी, क्योंकि ये लोग हैं केदारनाथ मंदिर के पुजारी, जिन्होंने दिल्ली में बनने वाले केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर और उस धाम का विरोध किया था, जिसका खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाकायदा शिलान्यास किया था। लेकिन अब इन साधु संतों और तीर्थ पुरोहितों समेत हक हकूकधारी प्रतिनिधियों का आक्रोश कामयाब हुआ है। दिल्ली में बनने वाले केदारनाथ धाम में जहां तीर्थ पुरोहितों के इस विरोध प्रदर्शन के बाद वहां के प्रबंधन ने न सिर्फ संज्ञान लिया है, बल्कि सीएम के बयान के बाद अब वो नई धारा की ओर सोच रहे हैं। दरअसल दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम के नाम से केदारनाथ मंदिर के शिलान्यास का विरोध हुआ था और तमाम लोगों ने इसको लेकर उत्तराखंड में नाराजगी जताते हुए इसको न बनाने की मांग की थी। सीएम ने भी कहा था कि केदारनाथ उत्तराखंड के अलावा कहीं नहीं हो सकते, इसीलिए अब बुराड़ी दिल्ली में बनने वाले केदारनाथ मंदिर को लेकर के वहां के प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि वो न सिर्फ अपना नाम बदलेंगे, बल्कि नए नाम के लिए सोच विचार भी शुरू कर दिया गया है। दरअसल दिल्ली में बनने वाले केदारनाथ मंदिर पर श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट बुराड़ी के अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला ने फिर बताया है कि दिल्ली में जो मंदिर बनने जा रहा है वो पहले से ही बन रहा है, ना कि यहाँ पर धाम बन रहा है। यानी इसका नाम सिर्फ श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट है, लेकिन ये बन सिर्फ मंदिर रहा है, ना कि धाम। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी सफाई दी है कि इसका सरकार और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि साधु संत और तमाम समाज के लोग नाराज हो रहे हैं, इसीलिए हम अब इसका नाम बदलने वाले हैं। क्या कुछ कहा है अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला ने, सुनिए। बिल्कुल, हमें जब से पता चला है मीडिया के थ्रू या अखबारों के थ्रू कि कुछ लोगों को आपत्ति है कि ये केदारनाथ धाम नहीं होना चाहिए, केदारनाथ मंदिर नहीं होना चाहिए, यदि कि जिन श्रद्धालुओं को या पुरोहितों को या किसी समाज को हमारी इस नाम से आपत्ति है, ये वो आहत हुए हैं, तो हम जरूर इसके लिए नाम के लिए हमने अपनी कमेटी में बात कर ली है, हम नाम चेंज करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। आपको बता दें कि तीर्थ पुरोहितों और पुजारियों के विरोध के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में हस्तक्षेप किया था और उन्होंने ये कहा था कि बाबा केदार का धाम दुनिया में कहीं और नहीं बन सकता। उन्होंने बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए थे। मुख्यमंत्री धामी ने यह कहा था कि बाबा केदार को किसी नाम से कोई भी मंदिर बन जाए, उनके धाम की महिमा कभी भी कम नहीं होगी, और इसीलिए दिल्ली के बुराड़ी में बनने वाले केदारनाथ मंदिर को लेकर के नई कंट्रोवर्सी ना शुरू हो, ना कोई विवाद शुरू हो, इसको लेकर के वहां के प्रबंधन ने भी अब अपना फैसला वापस ले लिया है। हालांकि मंदिर बनेगा, लेकिन उसका नाम केदारनाथ मंदिर नहीं होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।